बीजेपी ने 10 साल में हरियाणा के किसानों को खूब पीटा, उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनके रास्ते में कीले बिछाए, उसके बाद भी उसका दिल नहीं भरा। उसके नेता लगातार किसानों का अपमान करते रहते, उनको बुरा भला कहते रहते। ताजा मामला नई नई सांसद बनी कंगना रनौत का है। पहले उन्होंने किसानों को बलात्कारी और हत्यारा बताया, अब वो कह रही है कि 3 काले कृषि कानून फिर से वापस लागू करना चाहिए। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए, हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए। नरेंद्र मोदी ने इन काले कानूनों को वापस लेते हुए देश से माफी मांगी थी। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। लेकिन उनके नेता लगातार किसानों को नीचा दिखाते रहते। ये पहली बार नहीं जब बीजेपी के नेताओं ने किसानों का अपमान किया। इसके पहले खुद नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनका अपमान कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने भरी संसद में किसानों को आंदोलनजीवी बताया था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। खट्टर कह रहे थे कि किसानों के साथ शठे शाठ्यम समाज रेत वाला व्यवहार करना चाहिए। किसानों को दुष्ट बताते हुए वो कह रहे थे कि दुष्ट के साथ दुष्टता वाला ही व्यवहार करना चाहिए। सठे साठम समाचारे ऐसे को तैसा खालो ठंडे, जब ठावांगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहा होगा ना तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी, अगर 2-4 महीने वहाँ रहा होगा तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे। सोचिए बीजेपी किसानों से कितनी नफरत करती है, कभी उन्हें आंदोलनजीवी बताती है तो कभी उन्हें खालिस्तान। जिन काले कानूनों को खत्म करने के लिए 750 किसानों ने अपनी जान दी, उन किसानों को नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के नेता लगातार अपमानित करते रहते हैं। लेकिन अब जब हरियाणा में चुनाव है तो किसानों को बड़ा मीठा मीठा बोल बोल रहे हैं। लेकिन हरियाणा का किसान उनकी सच्चाई जानता है, इसलिए वो इस बार बीजेपी के प्रत्याशियों को उल्टे पांव दौड़ा रहा है। जैसे ही बीजेपी नेता प्रचार करने जाते हैं, किसान उन्हें अपने ऊपर हुए जुल्म याद दिला देते हैं। साफ है इस बार हरियाणा बीजेपी के झांसे में नहीं आएगा और कांग्रेस को लाएगा, क्योंकि कांग्रेस ही उन्हें सम्मान दे, उनका हक दे,